तो उन्होंने पूछा है कि
बचपन का फोटो। मैं बचपन से क्यूट हूँ मैं बताना जरूर। तो फिर मुझे पूछा है भूषण ने, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भूषण ये क्या कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है क्या? मुझे पूछ रहे हो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर दूं मैं जो एक साल का बच्चा भी बता सकता है? Oh no! नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है साक्षी ने। तो साक्षी ने पूछा है योर बिग फेथफुल फैमिली प्लीज दी प्लीज एंड माय नेम इज साक्षी। हाय साक्षी, तो मेरी फैमिली के साथ फोटो तो मेरे इंस्टा पे भी है, पर आपके लिए ये देखो ये है मेरी फुल फैमिली। तो उसके बाद के क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं। ये पूछा है जोया ने, डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर? यस आई हैव, मेरी खुद की सिस्टर है तो मैंने उनके साथ वीडियोस भी बनाया है तो आप देख सकते हो। तो टॉम एंड जेरी ने मुझे पूछा है कि फ्रॉम वेयर यू बाय ऑल योर स्ट्रेंजीज हेयर बैंड्स एंड ऑल हेयर एक्सेसरीज? तो हेयर एक्सेसरीज मैं ऑफलाइन खरीदती हूँ, ऑनलाइन खरीदती हूँ। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ ऑफलाइन खरीदना, पर अभी तो कोरोना की वजह से मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रही हूँ, पर मुझे ज्यादा खरीदना नहीं पड़ता क्योंकि कोलैबोरेशन के लिए इतना ज्यादा लोग भेजते हैं मुझे, तो मुझे खुद से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अनु ने, दी हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन पेज? ये सच में बताओ मुझे नहीं पता कैसे फॉलोअर इंक्रीज करते। अगर मुझे ये पता होता मैं तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स खुद के इंक्रीज कर लेती ना, तो मुझे सच में नहीं पता। पर मैं आपको छोटा सा टिप दे सकती हूँ कि आपका पेज जिस रिलेटेड है वैसे स्टार्ट या फिर कुछ, तो आप उसकी जो स्पेशलिटी है या फिर जो भी है यूनिकनेस है जो भी है, तो वो आप रैंडमली शेयर करते रहो। अगर इंस्टा पे पेज है तो रील्स बनाते रहो, पिक्चर पोस्ट करते रहो, हैशटैग्स यूज करो प्रॉपर वे पे। अगर फेसबुक पेज है तो ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं खुद फेसबुक पे बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ, तो अगर मुझे कुछ पता चले मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है थवानी ने, आपको कोई बोलता है कि शॉर्ट्स वगैरह मत पहनो तुम बड़ी हो गई हो अब? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े होने के साथ शॉर्ट्स नहीं पहनना ऐसा कोई रूल हमारे देश में नहीं है, तो इसीलिए मुझे भी कोई नहीं बोलता। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करते, जो मेरे हेटर्स है वो जरूर बोलते हैं, तो मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है, मैं सुनती नहीं हूँ क्योंकि मेरी मर्जी की मैं पहनूंगी, मेरी मर्जी की मैं खाऊंगी, तब भी ना मैं जी पाऊंगी। तो आप लोग के यही रूल फॉलो करो, अपनी मर्जी के खाओ अपनी मर्जी के पहनो, बस आगे बढ़ते रहो, कोई गलत काम मत करना, अपने आप को लेकर खुश रहना, किसी से खुद की कंपेयर मत करना, बस फिर आप खुश रहना सीख जाओगे। फिर मुझे राहुल चौधरी ने पूछा है आप कहाँ से हो और आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो? बाय द वे लव फ्रॉम दिल्ली। हाय राहुल, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मैं BA LLB ऑनर्स कर रही हूँ। मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, मतलब मेरा कॉलेज बस अभी खत्म होने वाला है, बैक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। फिर मुझे पूछा है श्रुति ने कि आपका आज तक का फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है? मुझे नहीं पता, सभी कुछ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनाना अच्छा लगता है, तो सारे हेयर स्टाइल से मेरी फेवरेट है। अभी आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है कनु जिया ने, आपका नाम मुझे समझ नहीं आया सॉरी डियर। तो उन्होंने बोला है कि आपके सब्सक्राइबर तो 10K हुए ही नहीं, तो प्ले बटन कहाँ कैसे मिल गया? सबसे पहली बात है डियर, 10K पे प्ले बटन नहीं मिलता है, वो मिलता है 100K पे। और आपको कैसे पता चला? आप छुप छुप के देख रहे हो मुझे। हाँ आपको कैसे पता चला जबकि मेरे सब्सक्राइबर हाइड है? हाँ हाँ बोलो बोलो। तो डियर हाँ, मुझे मतलब जरूर मेरी सब्सक्राइबर 100K क्रॉस किया है, इसीलिए यूट्यूब ने प्ले बटन मुझे दिया है। तो ऐसे किसी को नहीं बोलते, तो उन्होंने मेहनत की है इसीलिए उनको ये मिला है। मेहनत करो आपको भी मिलेगा, पर ऐसे नहीं बोलते, ठीक है डियर? तो नेक्स्ट में मैं जाती हूँ। तो वो पूछा है देवांशी ने, आपका मोबाइल नंबर दे दी प्लीज। डियर देवांशी, मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आपको नंबर दे पाती, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नंबर दे दूंगी, पहले कहा कि अगर मैं एड्रेस नंबर ऐसे पर्सनल कुछ शेयर कर रही हूँ तो बहुत लोग होते हैं जिनका इंटेंशन ठीक नहीं होता, तो इसी के वजह से मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी देवांशी। तो धनुष्री ने बोला है वन वर्ड फॉर योर सुमेधा फैन।
मतलब ये मैं वन वर्ड में कैसे बोलूं, तुम लोग मतलब क्या बोलूं, तुम लोग जान हो मेरी, तो जान कह सकते हो ना वन वर्ड जान। जैसे लोगों को मतलब हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन लगता है, वैसे ही ये सुमेधा फैम को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की जरूरत है, तो आप लोग मेरी जान हो, आई लव यू ऑल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैनर्जी ने, हाय दीदी हाउ आर यू, हाय बैनर्जी आई एम फाइन हाउ आर यू एंड योर वॉलपेपर। तो वॉलपेपर तो मेरा इस फोन का ये है, एक फोन में वहां पे शूट हो रहा है और एक फोन का वॉलपेपर है ये। नीतू ने पूछा है पिज्जा और बर्गर, पिज्जा, बैडमिंटन और लूडो, बैडमिंटन, फ्रेंड्स और फैमिली। फ्रेंड्स जितने भी है बहुत कम है, मतलब मैं ऐसे करके ऐसे गिनती मतलब खत्म हो जाएगी, इतना फ्रेंड्स है। तो ऑब्वियसली फैमिली और जो फ्रेंड्स बच्चे कुचे है मेरा, मतलब जो दोस्त है मेरे वो भी मेरी फैमिली ही है, तो फैमिली। तो प्रज्ञा ने पूछा है योर बिगेस्ट फेयर, तो मेरा जो बिगेस्ट फेयर है वो है किसी अपने को खो देना, इससे ज़्यादा डर मुझे किसी भी चीज़ से नहीं लगता, बस भगवान जी सब ठीक रखे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। इट्स सृष्टि ने पूछा है हु इज योर क्रश। उम्र सारी शर्मा गई मैं। क्रश है, क्रश ऑब्वियसली है, पर मैं नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी उसका क्रश उसकी क्यों कह रही हूँ यार। ओह नो, अगर क्रश का क्रश मैं नहीं हूँ तो मेरा पोपट बन जाएगा, मुझे नहीं बनाना है अपना पोपट। तो आप लोग गेस करो कौन हो सकता है मेरा क्रश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है मुझे सोमो ने, तो उन्होंने पूछा योर एज। सिर्फ सोमो ने नहीं, बहुत सारे सोमो ने भेजा है, मतलब बहुत लोगों ने भेजा है कि आपकी एज क्या है। लड़कियों से उनका एज नहीं पूछते, आप लोगों को नहीं पता हमारा एज हमेशा 16 रहता है, क्योंकि मैं 21 नहीं कह सकती, 16 रहता है हमारा एज हमेशा 16। सिर्फ 16 रिश्ता भेजोगे इसीलिए जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा एज मुझे देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, जिनका आंसर राइट होगा उनको मैं चॉकलेट खिलाऊंगी बाद में। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जिसका मैं आंसर करने वाली हूँ वो है इंटरनेशनल क्वेश्चन, मतलब एज एंड ये दोनों क्वेश्चन इतना आया है मैं मतलब मेरे ऊपर अगर गिरता तो मैं जमीन में दफन हो जाती, मतलब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है, एज बॉयफ्रेंड, एज बॉयफ्रेंड, एज बॉयफ्रेंड। तो हाँ ये क्वेश्चन है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, नो आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और मुझे चाहिए भी नहीं, अगर कोई मिले तो ठीक है बाद में सोचेंगे वो सब बात। तो अभी फिलहाल मैं सिंगल हूँ और सिंगल लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आज के लिए तो इतना ही, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो एक ईयर हुआ है अभी इसको 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करके बहुत सारे ईयर हमें एक साथ सेलिब्रेट करना है। तो जरूर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, इंस्टा पे भी शेयर करना, मुझे टैग करना ताकि मैं रिपोस्ट कर पाऊँ, और ऐसे बहुत बहुत सारा प्यार मुझे दिखाते रहना गाइस। आई लव यू ऑल, टाटा बाय, सब सेफ रहना, करते रहना।